लिए चीजें करना था क्या? बुकलेट से पढ़ रहा हूँ मैं। बुकलेट से नहीं पढ़ने बोला था मैंने, मैंने बोला था कि एनसीईआरटी से पढ़ना, एनसीईआरटी में इस पार्टिकुलर टॉपिक का सबसे सर बेस्ट थ्योरी बुकलेट दे में भी रखा है, कुछ कुछ लाइन सब दिया हुआ है एनसीईआरटी दे का। रखा है दे रखा है दे रखा है, उसमें नो डाउट। लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज बस यहाँ जो एक्सप्लेन किया है ना, मतलब ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ऑलमोस्ट उस टाइप से ही है। एक लिक्विड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है, शायद यहाँ पे दे रखा है, नहीं तो फिर इधर साइड दे रखा है ये। हाँ ये शायद दे रखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये चीज कि एक लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग एक गैस के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, और इस डायग्राम में उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग इस चीज का एक डिस्कशन बोले थे कि जो तुम लोग को रीड करके आना, बाकी ग्राफ तो हम एक्सप्लेन करेंगे, एक करके सारा पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर चलो ध्यान दो। डाइपोल डाइपोल प्रोसेस में डाइपोल डाइपोल में दिया हुआ स्टेटमेंट की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हाँ एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। हाँ वो क्या मतलब, हमको कुछ समझ में नहीं आया। स्टेशनरी मॉलिक्यूल का क्या मतलब समझ में आ रहा है? पोलर छोड़े, स्टेशनरी मॉलिक्यूल का क्या समझ में आ रहा है मतलब? स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे। हाँ रेस्ट पे, तो जैसे मान लो एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल है, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन, ठीक है, या फिर मान लो ऐसा डाइपोल है तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन। बट अगर एक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो दूसरे पे क्या इंट्रैक्शन डालेगा? वैसे जैसे ये जो 1/r³ जो है वैल्यू, ये वैल्यू क्लास 12 के सबसे पहले टॉपिक में आता है इलेक्ट्रोस्टैट में। वहां पे डेरिवेशन आता है कि जब एक डाइपोल है उसके सामने दूसरा डाइपोल है तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन में फोर्स जो है उन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है हम लोगों को। तो वहां से मालूम पड़ जाएगा कि 1/r³ कैसे आया। ऑल्दो ये 1/r⁶ कैसे आया ये शायद हम भी अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल अगर है तो रोटेटिंग मॉलिक्यूल वाले पार्ट में इफेक्ट जो है वो चेंज होता चला जा रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले पार्ट पे, हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये वैल्यू हमको लगता है याद ही रखना पड़ेगा, तो प्रॉपरली बस ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि अगर सवाल पूछेगा कि अगर एक डाइपोल है तो दूसरे डाइपोल के साथ जब इंट्रैक्शन होगा तो उस केस में इंट्रैक्शन रेडियस के, मतलब इंट्रैक्शन का जो फोर्स है वो रेडियस से किस प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। और ये सवाल इनफैक्ट 2017 में ये पूछा जा चुका है, शायद से 2017 में या 16 में पूछा जा चुका है, मतलब सीधा यही पूछा था। और वैसे उसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, शायद वहां पे इंट्रैक्शन फोर्स नहीं पूछा था, दोनों में से कोई एक चीज पूछा था कि इनमें से कौन से टाइप के इंट्रैक्शन में द पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस पर पावर दिस, ऐसा सीधा ये सवाल पूछा था। और एक्चुअल में जैसे हम लोग ये इंट्रैक्शन डिस्कस तो करते थे बट हम लोग खुद ये वैल्यू याद नहीं रखते हैं, कभी कभी नहीं याद, हम आज तक कभी अपने टाइम पे भी पढ़े भी नहीं थे कि ऐसा कुछ वैल्यू होता है। हम लोग ये इंट्रैक्शन के बारे में मालूम करके रखते थे, लेकिन सवाल सीधा ये पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन से इंट्रैक्शन में रेडियस के पावर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज निकल के आता है, या फिर रेडियस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r पर पावर दिस, ये कौन से टाइप के इंट्रैक्शन में आता है। बहुत ही मतलब याद रखने वाला सवाल था, तो यहाँ से इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो जैसे ऐसे समझ लो एक डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो इस डाइपोल वाले पार्ट का उसमें दो इंट्रैक्शन हो सकता है, एक तो डाइपोल ऐसा हॉरिजॉन्टल है और दूसरा डाइपोल वर्टिकल है, और दूसरा ये भी वर्टिकल है और दूसरा ये वर्टिकल है, तो एक दूसरे के सामने सामने है, तो दोनों में जो फोर्सेस है वो अलग होता है। जैसे एक डाइपोल है अगर, तो डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग क्या फोर्स होता है वो अलग चीज होता है, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होता है वो अलग चीज होता है। ये दोनों कैलकुलेशन तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास, सॉरी 12th क्लास में, तब समझ में आ जाएगा ये चीज। अभी के लिए इसको याद रखो, बस ये है कि एक मॉलिक्यूल रोटेटिंग है, हम लोग वहां पे रोटेशन के बाद दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई डाउट? एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? तो बस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता था ना। नहीं, नॉन पोलर में जैसे उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के फॉर्मेट में डाल देते हैं। आखिर लंदन फोर्सेस है क्या, ये बताओ।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है एक तरह से। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है, लेकिन वो डाइपोल इंड्यूस हुआ ये बोल रहे हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो कि एक डाइपोल है पहले से और उसका दूसरे डाइपोल के साथ इंट्रैक्शन हुआ, तो डाइपोल क्यों इंड्यूस हुआ था, क्या रीजन था डाइपोल के इंडक्शन का? डाइपोल जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा नहीं, डाइपोल एक इंड्यूस तरह क्यों से। हुआ था, डाइपोल मतलब एक मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट क्यों हुआ था, एक मॉलिक्यूल पोलर क्यों हुआ था, डाइपोल क्यों आया था वहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की क्योंकि वजह से, डेल्टा एक एटम के पास डेल्टा माइनस चार्ज था, एक पास डेल्टा प्लस था। प्लस था, तो एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया था, ठीक है। अब मान लो कि जब उसका इंट्रैक्शन किसी दूसरे डाइपोल के साथ होगा, तो पहले से एक जगह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जगह इंट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और भी शिफ्ट होगा। मतलब जो डाइपोल पहले था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा डाइपोल और क्रिएट हो जाना चाहिए, चार्ज और डिस्प्लेस होना चाहिए, चार्ज और ज्यादा पोलराइज होना चाहिए, तो उसके वजह से मतलब है उसमें मेनली डायपोल ही डायपोल इंट्रैक्शन, लेकिन डायपोल पहले से एक बना हुआ और एक डायपोल इंड्यूस हुआ, तो जो इंड्यूस हुआ उसको लंदन फोर्सेस बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन जो डायपोल पहले से बना हुआ है उसके बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा डायपोल क्रिएट हो सकता है। आइडियली हम लोग नहीं मानेंगे इस चीज को, क्योंकि वो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगी, बट फिर भी एक डायपोल जो बना हुआ उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा डायपोल क्रिएट हो सकता है, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में लंदन फोर्सेस जैसा बिहेव करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, वहां पे हम लोग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही वर्ड यूज किया करेंगे। और कोई डाउट? वैसे लाइन कहाँ दिया हुआ है, हम आज तक ये चीज सुने नहीं, हम लॉजिकली बस ये चीज बोले, कहाँ पे लाइन दिया हुआ है? तो 5 पॉइंट, हाँ थोड़ा ऊपर करिए से बस, हाँ यहीं पे दिया हुआ है टॉप राइट कॉर्नर पे। बिसाइड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंट्रैक्ट विद इंट्रैक्ट बाय लंदन फोर्सेस ऑल्सो। हाँ ठीक है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दस क्यूमुलेटिव इसमें बोला भी है, दस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द टोटल। अच्छा नहीं ठीक है, क्यूमुलेटिव तो रहेगा, बट ठीक है वही चीज है, डाइपोल पहले से था और दो मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन की वजह से और एक्स्ट्रा थोड़ा डाइपोल जनरेट होगा, बट वो जनरेट वो डाइपोल एक्स्ट्रा इंड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से उसको लंदन फोर्सेस बोल रहा है, और फिर नेट जो इफेक्ट है वो दोनों के कॉम्बिनेशन का बोल रहा है। ठीक है, सही है। और कोई डाउट बोलो जल्दी, और कोई डाउट? चलो तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग, इस टॉपिक पे जाते हैं वापस से। जैसे हम लोग जो आइसोथर्म वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो इस केस में इस ग्राफ में लास्ट क्लास में बोला था हाइड्रोजन हीलियम हमेशा ऊपर रहेगा, कुछ नॉर्मल गैसेस या सारे नॉर्मल गैसेस जनरली पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो नीचे जब जाएंगे तो एक हाइपरबोला टाइप का ग्राफ फॉलो करता है, बट जब ऊपर जाना शुरू करता है तो उस केस में स्ट्रेट लाइन के जैसा फॉलो करता है, तो जो नॉर्मल गैसेस हैं उसमें ग्राफ में नीचे जाते हुए एक पार्ट और ऊपर जाते हुए दूसरा पार्ट, उसके अलावा जेड इज इक्वल टू वन तीसरा पार्ट, और हाइड्रोजन हीलियम हमेशा ऊपर क्यों रहेगा ये हम लोग फोर्थ पार्ट के जैसा कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो इस केस में ये चारों पार्ट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। और जैसे मान लो कि अगर हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं क्या? एक सेकंड, अगर हम लोग मान लो कि ये डिस्कशन शुरू करें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ जेड वर्सेस पी, तो उस केस में जैसे जेड का लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन बताया था तुम लोगों को पीवीएम अपॉन आरटी, हर जगह पे हम लोग को पीवीएम अपॉन आरटी वाला पार्ट जेड के फॉर्मेट में डालने के लिए यूज करना होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोगों के पास सबसे पहला सिनेरियो दे रखा, ऐसे एक नॉर्मल से सिनेरियो की बात करते हैं, हम लोगों का लो प्रेशर जोन है, एक नॉर्मल गैस के लिए कोई भी लो प्रेशर जोन है, तो जैसे अगर मान लो हम लोग आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर वाला पार्ट कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर वाले पार्ट को घटा रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम वाले पार्ट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं आराम से, ये नॉर्मल लॉजिकल पार्ट होना चाहिए और बढ़ेगा भी, तो अगर बहुत ही लो प्रेशर जोन है तो इसका मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट काफी ज्यादा हाई होगा, और अगर वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई होगा तो हम लोग जो लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन लिखे थे पी प्लस सम करेक्शन फैक्टर, उसके अलावा वी माइनस सम करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, हम लोग के पास था एन आर टी वाला पार्ट था, बट वहां से एन को हम लोग लास्ट में हटा भी रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर हम लोग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग का जो करेक्शन फैक्टर है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, तो जो करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट है
अगर मोलर वॉल्यूम के टर्म में रखें, वॉल्यूम पर यूनिट मोल्स और यहाँ करेक्शन फैक्टर पर यूनिट मोल्स, तो टोटल करेक्शन फैक्टर NB के बराबर था। यहाँ पे लिखे थे हम लोग लास्ट क्लास में V माइनस NB। तो इस केस में ये जो N वाला पार्ट है, अगर डिवाइड करेंगे तो हटा सकते हैं, और क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी हाई था तो उसके रिस्पेक्ट में इस करेक्शन फैक्टर को हम लोग आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले केस में जब लो प्रेशर जोन होगा, तब उस केस में V माइनस NB वाले पार्ट में इस चीज़ को हम लोग आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेटली कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लिख सकते हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट होगा जिसको डिस्कस करने के हम लोग। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे V माइनस NB था, इसको V के बराबर लिख लिया, तो इसके जगह पे हम लोग V बाई N मतलब मोलर वॉल्यूम माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट को आराम से Vm के बराबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अपने पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आना चाहिए था, पी प्लस ए बाई Vm स्क्वायर, और दूसरा Vm इज इक्वल टू RT। ये हम लोग का जो लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक्सप्रेशन बताया था उसका दूसरा पार्ट था। लास्ट क्लास में जो वंडर वाला एक्सप्रेशन बताया था उस केस में ये सेकेंड पार्ट था, पी प्लस ए बाई Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस पी इज इक्वल टू RT। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट था जिसको हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे थे। तो अपने एक्सप्रेशन में ये सेकेंड पार्ट तो Vm के बराबर हो गया, बट पहला पार्ट पी प्लस ए बाई Vm स्क्वायर के बराबर हुआ। तो एक काम करते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि Vm को हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पी वी एम आएगा प्लस ए बाई वी एम आएगा इज इक्वल टू RT। और हम लोगों को निकालना क्या है, जेड। तो जब जेड निकालना, इसलिए बोल रहे हैं सिंपल सा डेरिवेशन है बट इसको याद नहीं रखना, इसका रिजल्ट ही याद रखना है। जेड अगर निकालना है तो पी वी एम अपॉन RT चाहिए, और अभी हम लोगों के पास यहाँ पे पी वी एम आ रखा है, तो लेफ्ट साइड दोनों साइड RT से डिवाइड कर दो। तो जब RT से डिवाइड करेंगे तो पी वी एम अपॉन RT प्लस ए अपॉन RT वी एम इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसको आराम से जेड के बराबर लिख सकते हैं। तो अपना जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा पार्ट, इसमें ये सेकेंड हाफ को उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन RT वी एम टाइप का एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो इस केस में जो सबसे पहला केस है हम लोगों का, जो क्या बोल सकते हैं उसको, आइसोथर्म में नॉर्मल गैसेस का जो सबसे पहला हाफ था, लो प्रेशर जोन सबसे पहला पार्ट, उसमें जेड का एक्सप्रेशन ए 1 माइनस ए अपॉन RT वी एम टाइप का आता है। तो इस केस में 1 में से, जैसे ए जो है वान डर वाल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट भी करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू है। आर पॉजिटिव वैल्यू है, टी पॉजिटिव वैल्यू है, और मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 1 में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा ये 1 से छोटा रहेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले केस में जेड वाला पार्ट हमेशा 1 माइनस समथिंग, मतलब जेड वाला पार्ट हमेशा लेस देन 1 रहेगा, और ये चीज पूरे स्ट्रक्चर के जेड के वैल्यू को 1 से छोटा कर रहा है। तो जो वैल्यू 0 से छोटा होता है माइनस होता है, तो यहाँ 1 से छोटे के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टर्म आराम से नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आराम से बोला जा सकता है। तो आइडियल बिहेवियर जेड इज इक्वल टू 1 था, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बोला जा सकता है आराम से। ये सबसे पहला केस जो हम लोग को कंसिडर करना है। फिर मान लो अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, तो सेकेंड वाले केस में जैसे यहाँ लो प्रेशर जोन था, तो हम लोग लो प्रेशर जोन की जगह पे आराम से हाई प्रेशर जोन में जा सकते हैं। अगर हाई प्रेशर जोन में जाएंगे तब इस केस में प्रेशर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट कम होगा, और अगर वॉल्यूम वाला पार्ट कम होगा तो फिर छोटा वॉल्यूम है कंटेनर का, तो गैस के वॉल्यूम को नेगलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में गैस के वॉल्यूम को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब वी एम माइनस पी को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो पहला एक्सप्रेशन था पी प्लस ए बाई वी एम, तो ये जो प्रेशर में हम लोग करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो करेक्शन फैक्टर हमेशा बहुत छोटा क्वांटिटी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रेशर का करेक्शन फैक्टर तो होता भी नहीं होगा। तो अगर हाई प्रेशर जोन है, इसका मतलब मेन प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये जो करेक्शन फैक्टर है काफ़ी कम होना चाहिए। अगर काफ़ी कम होगा, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो काफ़ी कम होगा, इसका मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है इस चीज़ को नेगलेक्ट करके आराम से इसको अप्रोक्सीमेटली पी के बराबर लिख सकते हैं। तो अब अपना एक्सप्रेशन पी इंटू वी एम माइनस पी इज इक्वल टू RT लिखा जा सकता है, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू RT निकल के आएगा। RT को उठा करके दूसरे साइड लेके आ जाओ, तो यहाँ से पी वी एम
अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, और पी वी एम अपॉन आर टी वापस से जेड निकल के आ गया। तो ये सेकेंड हाफ पार्ट को उठा के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी अपॉन आर टी आराम से लिखा जा सकता है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में प्रेशर वाला पार्ट नेगेटिव हो नहीं सकता, जो बी वाला पार्ट है वो गैस के वॉल्यूम को या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को या को वॉल्यूम बोलते हैं उस चीज को, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और आर कॉन्स्टेंट, टी वाला पार्ट कॉन्स्टेंट मतलब टी वाला पार्ट पॉजिटिव। तो वन में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब जो अपना पूरा वैल्यू है ये पूरा का पूरा वैल्यू वाला पार्ट आराम से जेड ग्रेटर ग्रेटर देन वन के फॉर्मेट में रहेगा। और अगर जेड ग्रेटर देन वन के फॉर्मेट में रहेगा तो इसका मतलब आराम से यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की बात कर सकते हैं। तो सिंपली ये चीज ध्यान रखना है, अगर लो प्रेशर जोन हुआ तो नेगेटिव डेविएशन ग्राफ नीचे जाएगा, अगर हाई प्रेशर जोन हुआ तो ग्राफ हमेशा ऊपर निकल के आएगा। है ये दोनों कंक्लूजन, एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं दे रखा, केवल एक कंक्लूजन का पॉइंट है कि लो प्रेशर जोन, और वो भी ग्राफ में ही दे रखा है, थियोरेटिकली शायद दे भी नहीं रखा है कहीं पे। तो इस केस में लो प्रेशर जोन जेड लेस देन वन, हाई प्रेशर जोन जेड ग्रेटर देन वन आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये तो केवल दो पार्ट हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, फिर तीसरा सर पार्ट थोड़ा हम लोग, ऊपर कीजिए ना, सर बोलो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, और थोड़ा सा। हाँ सर, इसमें वॉल्यूम बहुत कम है ना, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है, मतलब हाँ सेकेंड वाले पार्ट में। हाँ तो सर ए बाई वी एम स्क्वायर, मतलब वी एम बहुत छोटा है, तो वी एम का स्क्वायर भी उससे बहुत छोटा होगा, ये वाला तो पार्ट ए बोल बाई रहा है, वी एम। ये बोल रहा है ना। यस सर, हाँ सर, ए बाई वी एम स्क्वायर को फिर कैसे नेगलेक्ट करेंगे हम? जैसे उसको इस तरीके से समझो कि ए का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, इन जनरल बहुत छोटा होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग वी एम का वैल्यू छोटा भी रखते हैं, तो दोनों का जो रेशियो, हम लोग बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर मतलब कितना भी हाई प्रेशर लेकर के जाए, हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम छोटा अगर करेंगे कितना छोटा कर पाएंगे ये सोच के देखो। अगर कंटेनर का वॉल्यूम छोटा करते हैं तो कितना छोटा कर पाएंगे हम लोग, माइक्रो में छोटा कर सकते हैं क्या कंटेनर का वॉल्यूम बताओ? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो नॉर्मली कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर भी ऑल्दो बहुत छोटा होता है बट चलो मिलीमीटर हो गया, या सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स उसमें ज्यादा भर सकते हैं हम लोग, गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करते चले जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो भी अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में काम कर रहे होंगे तो उस केस में इस वैल्यू में, जैसे ए का वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन में निकल के नहीं आ पाएगा। तो ये जो रेशियो है वो हमेशा नेगलेक्ट करने लायक रहता ही रहता है, उसमें कोई परेशानी निकल के नहीं आने वाला है। जो वैल्यूज होगा उससे हम लोग इस चीज को आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे होता है कि यार सर इसमें वॉल्यूम अगर कम हो गया तो ए अपॉन वी एम, अगर वी एम बहुत कम है तो टोटल वैल्यू तो बहुत हाई होगा, बट अगर मान लो कि पहला वाला पार्ट ऑलरेडी 10^-6 है और दूसरा वाला पार्ट स्क्वायर होने के बाद भी 10^-4 हुआ, तो उस केस में जैसे वॉल्यूम अगर हम लोग नॉर्मली क्या लेके चलेंगे, लीटर में लेके चलेंगे, उसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट दिया कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इस रेशियो में वैल्यू रहा तो भी 10^-2 आएगा। तो अगर मान लो वॉल्यूम सफिशियंटली बहुत लो है, इसका मतलब प्रेशर वाला पार्ट भी तो बहुत हाई होगा 10^3 या 10^4 के ऑर्डर में। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वन भी होता तो भी आराम से नेग्लेक्ट करेंगे, अगर प्रेशर 100 है तो उसके रिस्पेक्ट वन को नेग्लेक्ट करेंगे ही करेंगे, 1000 है तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये रेशियो हो सकता है कि वन हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए, लेकिन ये तब 1, 10 या 100 होगा जब इधर का वैल्यू 10^4, 5, 6 होना शुरू होगा, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1, 10 या 100 या 1000 को भी आराम से नेग्लेक्ट कर पाएंगे। ठीक है चलो आगे ध्यान दो। तो जैसे इस केस में दो पार्ट तो एक्सप्लेन हो गया किसी भी नॉर्मल गैस के लिए, फिर जब हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम वाले पार्ट में चलो पहले हम लोग आइडियल गैस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू वन, आइडियल गैस बिहेवियर, जब हम लोग आइडियल गैस बिहेवियर की बात करते हैं तो उस केस में जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग को अगर आइडियल गैस बिहेवियर कराना होता है तो ऐसा हम लोग नहीं करा सकते। आइडियल गैस बिहेवियर का एक छोटा सा कंडीशन होता है, हम लोग आइडियल गैस बिहेवियर वाला पार्ट हमेशा बहुत ही हाई प्रेशर जोन में और साथ ही साथ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सॉरी लो हाँ सर, प्रेशर, लग रहा था पहले हाई बोल दिया, फिर सोचा उल्टा दो होगा। लो प्रेशर
हाई टेम्परेचर जोन में हम लोग आराम से आइडियल गैस बिहेवियर वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे उसमें होगा क्या, इस चीज की बात करते हैं कि अरे जैसे हम लोग नॉर्मली ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि लो प्रेशर जोन अगर है, तो प्रेशर अगर लो है इसका मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट हाई होना चाहिए, लॉजिकली है। तो अगर लो प्रेशर जोन है इसका मतलब वॉल्यूम हाई होगा, तो यहाँ से हम लोग वी एम माइनस बी में बी वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको नेग्लेक्ट करके आराम से वी एम के बराबर लिख सकते हैं। ये तो सिंपल सा चीज़ अभी जस्ट देखे। दूसरा, अगर टेम्परेचर वाला पार्ट हाई होगा, तो लास्ट क्लास में या शायद से उसके पहले क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले पार्ट में कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा घटेगा। जितना हाई टेम्परेचर होगा दो गैसेस के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही घटता चला जाएगा। तो हम लोग रिलेशन लिखते हैं वो लोग कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, तो फिर हम लोग अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर कैसे हम लोग टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग जो ग्राफ का डिस्कशन कर रहे थे पहले, वो पूरा का पूरा ग्राफ में कहीं भी कोई गैस ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, बट हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी गैस को इस बिहेवियर में डालना है तो हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, हम लोग हाइड्रोजन हीलियम का डिस्कशन किए नहीं, ऑल्दो वो पहले करना चाहिए बट नहीं किया, हम लोग पहले आइडियल गैस बिहेवियर वाले पार्ट पे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग जेड इज इक्वल टू वन बिहेवियर लाना चाह रहे हैं, तो कोई भी जो गैस है वो हमेशा जेड इज इक्वल टू वन बिहेवियर शो कर रहा है क्या? तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जेड इज इक्वल टू वन का कंडीशन डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये बिहेवियर कब निकल के आ सकता है इन जनरल, हर सारे के सारे गैसेस के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग से टेम्परेचर इंक्रीज करके काम कर रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया है, अब इस केस में कोई भी गैस के साथ क्या होगा ये हम लोगों को पता। हाँ, ये विशाल सर का काउंट है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी गैस के पार्ट में आइडियल गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम इन जनरल ये बोल रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू जो वन लाइन है, ये जेड इज इक्वल टू वन लाइन वाला पार्ट कब हम लोग के पास रहेगा, हम लोग को इस चीज को कंपेयर करते हुए काम करना है। तो जैसे एक किसका वीडियो चल रहा है, त्यारन वीडियो बंद कर। तो इस केस में जैसे जेड इज इक्वल टू वन जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो लाइन के लिए हम लोग को ये दोनों कंडीशन किसी भी गैस के लिए अप्लाई करना होगा। किसी भी गैस के लिए प्रेशर का जोन एकदम लो होगा और टेम्परेचर एकदम हाई होगा, तब कोई भी गैस एग्जैक्टली उसी लाइन पर लाई कर रहा होगा, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो जब टेम्परेचर वाला पार्ट बहुत हाई होगा, तो उस पार्टिकुलर केस में जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तब इस पार्टिकुलर केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट लो होना शुरू हो जाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स लो होगा, तो इस केस में जो ए वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग आराम से नेग्लेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों का ए वाला पार्ट ऑलरेडी काफी छोटा होता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई करना शुरू कर दिया, तो टेम्परेचर अगर हाई भी करते हैं तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, रियल गैस रियल के जैसा ही रहता है वहां पे। हाई टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, 2000, 3000, 5000, ऐसा माना जाता है कि ऐसा किया जा सकता होगा, या 10000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ऐसा कंडीशन आएगा। तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे, तब जाके उस केस में ए वाले पार्ट को हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में ऑल्दो प्रेशर वाला पार्ट छोटा है, लेकिन जो ए बाई वी एम स्क्वायर वाला पार्ट है, इसमें ये सेकेंड पार्ट फिर से हम लोग नेग्लेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ए वाला पार्ट नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो उस केस में ए बाई वी एम स्क्वायर नेग्लेक्ट करके हम लोग पी के बराबर पुट कर दिए, तो वी एम माइनस बी वी एम के बराबर हो गया और P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर भी P के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में P इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी निकल के आएगा। इसका मतलब पी वी एम अपॉन आर टी या फिर Z इज इक्वल टू वन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो Z इज इक्वल टू वन वाला पार्ट एक गैस के आइडियल बिहेवियर वाले पार्ट को शो कर रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और अगर ढंग से देखो तो पी वी एम वाले पार्ट का मतलब हो गया पी वी अपॉन एन मोलर वॉल्यूम, V upon N is equal to RT, तो यहाँ से PV is equal to NRT आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। मतलब PV is equal to NRT एक्सप्लेन करने लायक चीज आराम से हो सकता है।
और उसके बाद फोर्थ पार्ट जो हम लोग को एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन एंड हीलियम वाले पार्ट का, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इस केस में प्रेशर या टेम्परेचर नॉर्मल भी रहेगा तो भी यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो मोलर मास है वो काफ़ी कम है। तो अगर मोलर मास वाला पार्ट हाइड्रोजन हीलियम का बहुत कम है तो इस केस में हम लोगों का ये दोनों गैस का ए का वैल्यू काफ़ी निग्लिजिबल होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज वेरी लो। वेरी लो मतलब सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इज लो। तो इस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट है, क्योंकि जो डिस्पर्सन फोर्सेस हैं वो डिस्पर्सन फोर्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा, साइज बहुत छोटा है। तो इंट्रैक्शन होने पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाने का टेंडेंसी है, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हो पाएगा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट काफ़ी लो होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स लो है तो ए वाला पार्ट जो है वो निग्लिजिबल आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ए वाला पार्ट निग्लिजिबल हो गया तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर में इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। और अगर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिए तो इस केस में हम लोग के एक्सप्रेशन वाले पार्ट में पहला पार्ट नेगलेक्ट हो गया, बचा P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सेकेंड वाले केस में डिस्कस भी किए थे, जब हम लोग एक्सप्रेशन में P इंटू वी एम माइनस आर टी निकल के, सॉरी वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी निकल के आया था, तो वहाँ से एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू वन प्लस पी वी अपन आर टी आराम से निकल के आ जाता है। मतलब हम लोग हमेशा वन वाले पार्ट में किसी चीज़ को ऐड करके काम करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में सीधा हम वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं z इज इक्वल टू वन प्लस पी वी अपन आर टी। तो इस केस में हमेशा हम लोग का वैल्यू वन से बड़ा रहेगा ही रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर वाले पार्ट पे। और उसमें जैसे एक चीज रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग ग्राफ जो है वो z वर्सेस p का बना रहे हैं, तो z वाला पार्ट y एक्सिस पे है, p वाला पार्ट x एक्सिस पे है। तो उस केस में अगर ये ग्राफ कंसिडर करें तो ग्राफ हमेशा z इज इक्वल टू वन से शुरू होगा, और z वर्सेस p b कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू m पूरा पार्ट इंटू x प्लस c, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो उस केस में जो हाइड्रोजन हीलियम वाला पार्ट है ये हमेशा z इज इक्वल टू वन एक्सिस से ऊपर रहेगा। एक जनरलाइज केसेस में इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। तो जैसे सवाल पूछने का फॉर्मेट ये हो सकता है कि लो प्रेशर जोन में z जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है किसी भी नॉर्मल गैस के लिए, हाई प्रेशर जोन में z का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या फिर कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करेगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जोन में कोई भी गैस अगर रियल गैस के जैसा है तो लो प्रेशर जोन में जेड का वैल्यू नेगेटिव डेविएशन होगा कि पॉजिटिव डेविएशन होगा। इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल निकल के आ सकता है जो हम लोगों को नॉर्मली कंसिडर करते हुए चलना होता है। तो हम लोग जैसे इन सारे केसेस को कंसिडर करें तो इसके ऊपर सवाल को अगर डिस्कस करना शुरू करें, लास्ट क्लास में बोले हुए थे कि हम लोग क्लास में बुकलेट से ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि इस तरह का न्यूमेरिकल पार्ट किसी काम का नहीं होगा। बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सवाल अपने उस थ्योरेटिकल पार्ट से ही रहेगा जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। एक सेकेंड बुकलेट शेयर कर लेना तो स्क्रीन पे। सर अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा तब? ये तो हम नहीं सोचे यार कभी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा तब। वैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की कंडेंसेट जो है वो किस टेम्परेचर पे बनाते हैं हम कभी इसके बारे में सोचे नहीं है। तो किस टेम्परेचर पे बनाते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है? स्टार को पाया जाता है सर। स्टार पे बहुत लो टेम्परेचर तो नहीं होता होगा यार, स्टार तो जैसे सन भी होता है उस पे, लेकिन स्टार पे भी होता है एक शायद बोस आइंस्टाइन। तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा था ओ प्लाज्मा। अच्छा हाँ, तो सर एंड कर दीजिए सर, एक मिनट से कम बचा। अच्छा ठीक है वापस। सर नहीं सर क्या, चलो ठीक है एंड करके वापस से शुरू करें मीटिंग, रख जाओ।